हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 23। तो लेसन नंबर 23 में आज हम करने वाले प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस की। पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव टेंस की थोड़ा सा रिपीट करवा दो, अफर्मेटिव होता क्या है। तो 22 में हमने पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर देखा था कि उर्दू से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो उर्दू में क्या पहचान देखी थी कि फिक्रे के लास्ट पर अलिफ छोटी है बड़ी है या था थी थे आ जाए, तो ये किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। तो इस तरीके से अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो अफर्मेटिव के लिए आपने सब्जेक्ट लगाना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी एंड ऑब्जेक्ट लिख देना था। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम शुरू करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से फिक्र आएगा और किस तरीके से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने असलम को खत लिखा। तो देखिए उर्दू के फिक्रे के लास्ट पर क्या आ रहा है? अलिफ या था थी थे या अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए, तो वो किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। तो देखिए इसमें कोई नेगेटिव बात या कोई सवालिया बात नहीं हो रही, तो इसलिए ये अफर्मेटिव सिंपल है। तो इसके साथ क्या लगाना था? सब्जेक्ट लगाना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने असलम को खत लिखा, मैं आई, लिखने की इंग्लिश राइट होती है, उसकी सेकंड फॉर्म रोट, आई रोट अ लेटर टू असलम। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मरीज की नब्ज देखी, छोटी आ गई है, तो इसका मतलब ये क्या है? देखी थी या देखी, पास्ट इंडेफिनेट की निशानी है। डॉक्टर ने, दी डॉक्टर, फील होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके सेकंड फॉर्म फेल्ट, दी डॉक्टर फेल्ट दी पल्स ऑफ दी पेशेंट, दी डॉक्टर फेल्ट दी पल्स ऑफ दी पेशेंट। नेक्स्ट, हम सैर के लिए जाते थे, था थी थे आ जाए, तो वो किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। हम वे जाने की इंग्लिश गो होती है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम सैर के लिए जाते थे, वी वेंट फॉर अ वॉक। इसने बड़ी मौसर तकरीर की, इसने बड़ी मौसर तकरीर की, ही मेड अ वेरी इफेक्टिव स्पीच, ही सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ही मेड अ वेरी इफेक्टिव स्पीच। मैंने मुबाहसा में हिस्सा लिया, मैंने मुबाहसा में हिस्सा लिया, अलिफ छोटी है बड़ी, ये भी किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। आई टेक होती फर्स्ट फॉर्म, उसके सेकंड फॉर्म होती टुक, आई टुक पार्ट इन डिस्कशन, आई टुक पार्ट इन डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा है, प्रिंसिपल साहब ने तलबा से खिताब किया, प्रिंसिपल साहब ने तलबा से खिताब किया, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स। लोगों ने हकूमत की तारीफ की, लोगों ने हकूमत की तारीफ की, पीपल प्रेज्ड, प्रेज फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म प्रेज्ड द गवर्नमेंट, पीपल प्रेज्ड द गवर्नमेंट। मैंने कल आपका खत वसूल किया, मैंने कल आपका खत वसूल किया, अलिफ छोटी है बड़ी है, पास्ट इंडेफिनेट। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, गुजरा हुआ कल की बात करा है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े, हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े, आवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, आवर सोल्जर सब्जेक्ट फाउट सेकंड फॉर्म, फाइट की फाउट सेकंड फॉर्म, ब्रेवली बहादुरी से, आवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। उन्होंने एक रिच देखा, उन्होंने एक रिच देखा, अलिफ छोटी बड़ी, ये भी सेकंड फॉर्म सॉरी पास्ट इंडेफिनेट, इसको ट्रांसलेट करते हैं, दे, दे सब्जेक्ट, सी की सेकंड फॉर्म सा आ बियर, दे सा आ बियर। नेक्स्ट देखिए हमारा अफर्मेटिव का, कुत्ते ने अपना साया पानी में देखा, कुत्ते ने अपना साया पानी में देखा, द डॉग सा हिज ओन इन द वाटर, द डॉग सा हिज ओन इन द वाटर। नेक्स्ट, कुत्ते ने कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा चुराया, कुत्ते ने कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा चुराया, द डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम द बचर शॉप, The dog stole a piece of meat from the butcher shop. तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, तलबा ने मुख्तलिफ हिस्सों में हिस्सा सॉरी तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, ये भी किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इधर आएगी सेकेंड फॉर्म, पार्टिसिपेटेड इन वेरियस स्पोर्ट्स।
लड़कों ने बखुशी मेरी तजवीज़ मान ली। द बॉयज ग्लैडली ग्लैड होता है फर्स्ट फॉर्म ग्लैडली द बॉयज ग्लैडली खुशी से एक्सेप्ट होता है फर्स्ट फॉर्म उसके सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड द बॉयज ग्लैडली एक्सेप्टेड माई सुजेशन द बॉयज ग्लैडली एक्सेप्टेड माई सुजेशन। माँ बाप ने हमारी परवरिश की आवर पेरेंट्स रेज्ड अस हमें पाला बड़ा किया आवर पेरेंट्स रेज्ड अस इसने इस्लाम कबूल किया ही कन्वर्टेड टू इस्लाम वो कल कराची गया ही वेंट टू कराची यस्टरडे कल गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा है ही वेंट टू कराची यस्टरडे। पुलिस ने मजमे को मुंतशर कर दिया पुलिस डिस्पर्स्ड द असेंबली मैंने पिछले साल एमए का इम्तिहान पास किया आई पास्ड द एमए एग्जाम लास्ट ईयर तो स्टूडेंट्स आपको लेसन नंबर 23 की समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको इस लेसन की समझ लगी है तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। तब तक के लिए गुड बाय।